वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें, मक्की बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लंबे समय से खबर आ रही है, लेकिन फिल्म के मेकर्स या शाहरुख खान की तरफ से इसे लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है और फैंस शाहरुख की फिल्म का बहुत दिन से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसी बीच में पठान को लेकर रिलीज डेट फाइनल कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि किंग खान अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म पठान को अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज करेंगे। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को जानकारी दी है कि फिल्म पठान की शूटिंग अगले साल तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद यशराज बैनर इस बिग बजट मसाला मूवी के क्रिसमस 2021 पर रिलीज करेगा। वैसे फिल्म पठान की बात की जाए तो इसमें शाहरुख खान के साथ साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम जैसे कलाकार भी नजर आएंगे और यशराज बैनर की पठान के लिए जॉन अब्राहम और शाहरुख खान ने पहली बार हाथ मिलाया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये दोनों अभिनेता पठान में ज़बरदस्त एक्शन करते दिखाई देंगे। वैसे इस फिल्म को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।